बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरदा शुएब एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रिवायतों की लज्जत, जहां आपको सिखाते हैं नित नए खाने बनाना। और हमारे यहाँ एक रिवायत कह सकते हैं आप, या एक सोसाइटी की आप सोच कह सकते हैं कि जिसको अच्छे खाने बनाना आ गए वो औरत सुघड़ कहलाती है। चाहे कुछ और काम आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर खाना बनाना आता हो तो जनाब वो औरत जो है वो घर घर से संभालने के मामलों में जो है ना वो पास हो जाती है। तो इसलिए हमने अपना शो इंट्रोड्यूस करवाया कि आप तक हम कोई ना कोई नई रेसिपी सिखा सकें, बता सकें और तरीके बता सकें कि छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके आप कैसे एक सुघड़ ख्वातीन का या खातून का खिताब जो है वो अपने नाम करवा सकती हैं। तो जनाब ऐसे ही आज भी हमने एक बहुत ही माहिर शेफ़ को अपने शो में इनवाइट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनसे हम जो है उनकी रेसिपी का सीक्रेट लें। वो बहुत ही एक मशहूर होटल है, 5-स्टार होटल है, वहाँ के वो शेफ़ हैं और बहुत ही नामी ग्रामी हैं। उनके खानों के टेस्ट इतने फेमस हैं कि लोग वो खाना खाने के लिए उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। जनाब मैं इनवाइट करती हूँ यहाँ पे शेफ मोहम्मद जावेद को। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। शेफ बहुत नाम सुना है और आपकी जो रेसिपी है जो आपके रेस्टोरेंट में मशहूर है, आपके होटल में मशहूर है, उसके खाने के लिए हम सब आते हैं वहाँ पे। तो आज आप वो बना रहे हैं यहाँ पे, अब आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें। आज हम मुगलाई चिकन तंदूरी। अच्छा, तो अच्छा आप कैसे बनाएंगे इसको, मुझे बताएं तरीका इसका, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें। सबसे पहले हमने बोल में दही डाला, ठीक है, दही में येलो कलर, और कलर के बाद रेड चिली पाउडर, नमक और धनिया, और धनिया कूट के डाला है, धनिया कूट के डाला है, और हल्दी और गरम मसाला है, सही, मेथी, कसूरी मेथी है जी, कसूरी मेथी, और ये अदरक है। अच्छा, इसका पेस्ट बनाया, अदरक का पेस्ट बनाया, तो ये हरा क्यों हो रहा है? इसका कलर पेस्ट बना उतारा हो जाता है। अच्छा, तो इसे मुझे लगा शायद मिर्चें भी ऐड करी हैं। नहीं, हरी मिर्चें नहीं है। और ये गार्लिक है, गार्लिक का पेस्ट है, सही, ठीक है। उसके बाद ये अपना खशखाश है, और ये, अच्छा ये आपने पहले से दही के अंदर मिक्स करके रखा हुआ है जी, टाइम कम होने की वजह से, अच्छा, ताकि टाइम सेव कर लें हम। तो ये तमाम मसाले जो आपने हमें बताए अभी, वो सारे आपने दही में पहले से मिक्स करके रखे हैं जी, इसमें मिक्स करके रखे। अच्छा, ये कलर येलो कलर है या ऑरेंज कलर, क्योंकि इतना खूबसूरत और इतना अपीलिंग कलर आ रहा है, तंदूरी वाला कलर आ रहा है जी, येलो कलर है, येलो कलर ही है। अच्छा जी, आपको रेसिपी की जो क्वांटिटी, जो मेजरमेंट है, वो रेसिपी कार्ड पे आपको मिल जाएगी, आप उसके जरिए नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अभी इसको हम पेस्ट लगाएंगे, ये जो बना हुआ पेस्ट। मैं चम्मच दूं आपको? ये पेस्ट लगाएंगे। अच्छा, चिकन पे आपने जो है वो कट लगाए हुए, पूरी साबुत चिकन ली है आपने, इसको आपने किसी नमक के पानी में डिप करा है या कोई लीमू वगैरह कुछ लगाया है या कुछ नहीं लगाया? नहीं, इसको खाली साफ पानी से हमने धोया, सिर्फ पानी से धोया, साफ पानी से धोया, सही। और इसको हम ये पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट कम से कम, इसको टाइम कम है हमारे पास, अगर टाइम हो तो कम से कम इसको आधा घंटा पेस्ट लगा के रखें। अच्छा, यानी कि जो मैरिनेशन हमने बनाई है, हमारे पास वक्त की कमी होती है, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द बनाना सिखा दें, लेकिन आपने घर पे मैरिनेशन का प्रॉपर टाइम देना है जी, बिल्कुल, कम से कम आधा घंटा, सही। अच्छा, आपने देखा इस पे इन्होंने कट्स भी लगाए हुए थे, चेस्ट पीस पे स्पेशली ऊपर की तरफ कट लगाए हुए हैं, लेग पीस पे कट लगाए हुए हैं, ताकि मसाला अंदर अच्छी तरीके से जी, बिल्कुल, इस वजह से कट लगाएंगे मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाएगा, सही, और पकने में भी जल्दी पकेगी। अच्छा, तो ये हम इसको बेक भी कर सकते हैं जी, बेक भी कर सकते हैं आप? हाँ, बेक भी कर सकते हैं, इसको अंडे में पका सकते हैं और ओवन में पका सकते हैं इसको। अच्छा जी, बिल्कुल सही, ये इसको हमने पेस्ट लगा दिया, सही। अच्छा, पलट के भी इसको लगाएंगे? अच्छा, इसमें हम हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी, हाथों का, लेकिन हाथों के इस्तेमाल से थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से मसाला अब्सॉर्ब हो जाएगा, वो अलग बात है, आपके हाथ थोड़े से पीले पीले या तंदूरी कलर के हो जाएंगे जी, बिल्कुल यही बात है, ऐसा ही है, आप कर सकते हैं, मसाला आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे कि आपने तंदूरी हाथों के मसाले से जो है मसाला लगाया है, क्योंकि ये कहावत नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी इसमें कुछ हकीकत भी है कि हाथों का जायका भी होता है शेफ जी, बिल्कुल, अगर आप अपने हाथों के जायके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका जायका भी जो है टेस्ट ज्यादा आएगा, आएगा टेस्ट ज्यादा आएगा। ये चीज अब मिक्स हुआ ना ऐसे, ये देखें आप, ये प्रॉपर मसाला लग गया, हाँ, नहीं आप लगाएं जैसे आप लगा रहे थे मसाला, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स ये चीज देखें कि मसाला तरीके से किस तरह से लग रहा है, कट लगाए हुए जी, कटों के अंदर मसाला लगाओ ताकि इसको अंदर तक जज्ब हो जाए, सही, अगर हो सके
तो एक दिन पहले मसाला लगा के रखो। सही। अगर एक दिन पहले आप मसाला लगा के रखोगे उसका टेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैरिनेटेड चिकन में ज्यादा अच्छा अंदर तक फ्लेवर आ जाएगा। जी, अंदर तक उसका फ्लेवर आएगा। सही। ये रेडी हो गई। रेडी हो गया। अच्छा, अभी इसमें मैं तेल डाल दूं? तेल डालना है हमें इसमें? स्टोव ऑन कर दें? जी, ऑयल डालूं? सही। कितना ऑयल डालना है सर, आप मुझे बताइएगा। शेफ, डीप फ्राई करेंगे इसको हम? जी, बस काफी है? ठीक है, काफी, बस चलें जी। ओके, अभी चिकन डालेंगे इसमें, थोड़ा तेल गरम हो जाए। थोड़ा गरम हो जाए। सही। गरम होने के बाद हम ये चिकन डालेंगे। चिकन इसमें डाल जी। अच्छा, फुल रेस्टोरेंट वाला तरीका जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई थिंक तेल जो है वो गरम हो गया है जी। आप इसमें अब चिकन... इसको हम डालेंगे। चलें जी, इसमें। सही। अब इसको हम ढक देंगे या तो बाकी का जो पेस्ट है ना? अच्छा अच्छा, ये इसके ऊपर हम लगाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर डाल दीजिए। ये पेस्ट के अंदर पकेगी और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए शेफ, अंदर जज़्ब हो जाएगा? हाँ, अब्सॉर्ब हो जाएगा। अच्छा शेफ, जो रिमेनिंग इसका बैटर रह गया है उसका क्या करेंगे हम? या वो वेस्ट हो जाएगा या उसका मसाला बनाएंगे? वो भी डलेगा सब इसमें? डलेगा। और इसकी ग्रेवी बनेगी ये तंदूरी की। हाँ, तो ये ग्रेवी वाली है कि आप इसको नान के साथ और रोटी के साथ भी खा सकें, बिल्कुल ड्राई नहीं होगी ये चिकन। हल्की ग्रेवी होगी। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें जनाब, अभी अब क्या करना है? ढक दें इसको या अभी थोड़ी देर रहने दें? चलें जी, क्योंकि पहले ढक के रखेंगे ना, इसका कलर नहीं आएगा। अच्छा, तो ये भी एक टिप है जी, कलर उतर जाएगा इसका। कि अगर हम पहले से ढक देंगे इसको तो कलर उतर जाएगा, ऐसा कलर नहीं आएगा तंदूरी चिकन वाला। जी बिल्कुल, राइट। अच्छा चलें जनाब, इस वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, और आपको सिखाएंगे हम कि रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन आप कैसे बना सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत और हम बना रहे हैं मज़ेदार सी तंदूरी चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल। अच्छा, ब्रेक पे हम बात कर रहे थे, हम कुछ सी फूड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप जो हैं वो सी फूड में एक्सपर्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं सी फूड में। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सी फूड में अक्सर लोग प्रॉब्लम ये होती है कि फ़िश बनाते हुए प्रॉन्स अच्छे नहीं बनते, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो उसके क्या रीज़न होता है? उसमें मसाले का भी फ़र्क होता है। नहीं, लेकिन मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि प्रॉन्स यानी कि श्रिम्स या झींगे हम जब भी बनाते हैं घर में, अक्सर ख्वातीन शिकायत करती हैं कि वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। पहले मैरिनेशन करके रखना पड़ता है उसको। अच्छा, और अगर कढ़ाई बना रहे हैं चिकन की, वो प्रॉन्स की? नहीं, प्रॉन की अगर कढ़ाई बनाओगे तो कढ़ाई में थोड़ा हार्ड होता है प्रॉन। अच्छा, क्योंकि उसको भूनते ज्यादा हैं, इस वजह से प्रॉन्स जो हैं वो हल्की दम पे ही आ जाते हैं। जी, हल्के पे ही, बिल्कुल राइट। अच्छा, एक प्रॉन्स की एक और एक ट्रिक है जो कहते हैं ना कि अगर आपने सी शेप रखना है या ओ रखना है प्रॉन्स को, तो उसमें भी टेम्परेचर वेरी करता है, वो क्या चीज होती है? टेम्परेचर भी हल्के, मतलब ज्यादा तेज आंच पे नहीं पकते, स्लो, और ढक के नहीं पकाना होता? नहीं, ढक के नहीं, है ना? हम लोग करते हैं ग्रिल, ग्रिल बिल्कुल मतलब खुली होती है ऊपर से। अच्छा, और उसी पे आप लोग ग्रिल कर रहे होते हैं, आपकी स्पेशलिटी है? मैरिनेशन करके रखते हैं इसको। सही। तो क्यों, हमारा मसाला भी अलग ही है। अच्छा, वो क्या मसाला है आपका? हम लोग इसको लगे हाथों हम प्राउंस का मसाला भी ले लेते हैं। पहले इसको तो हम लोग नॉर्मल लेमन वगैरह, इसको मस्टर्ड हो गया, व्हाइट पेपर हो गया, ये हल्का सोया सॉस। अच्छा, मस्टर्ड, सोया सॉस, हाँ, ये कुछ चीजें हम लोग इसमें डाल के मैरिनेशन करके रख देते हैं। जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है उसके बाद हम लोग ग्रिल पे लगाते हैं। अच्छा, ग्रिल पे लगा देते हैं। ग्रिल पे लगाने के बाद फिर इसको हम बारबेक्यू सॉस जो लोग हमारा लगाते हैं ना, तो बारबेक्यू सॉस से हमारा ये प्रॉन सॉफ्ट हो जाता है। बारबेक्यू सॉस से आपका प्रॉन जो है वो? अच्छा, बारबेक्यू सॉस अगर हमारे पास जो नॉर्मल मार्केट्स में अवेलेबल है वो यूज करना चाहें रेडीमेड, तो वो यूज कर सकते हैं? नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन हम अपना स्पेशल बनाते हैं। अच्छा, उसमें क्या स्पेशल होता है? आप कुछ हमें टिप्स देना चाहेंगे अपने स्पेशल बारबेक्यू सॉस की? बस उसमें टिप्स को अभी आपको दे सकते हैं? नहीं, कुछ सकते हैं। अच्छा, एक सीक्रेट रख लीजिए, कुछ तो दे दें आप भाई। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को पता चले भाई कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अब देखें, अभी आई एम श्योर खवातीन जो है थोड़े से रिमोट से जो है वॉल्यूम बढ़ा के बहुत ध्यान से बैठ के इस वक्त आपको सब देख रही हैं। आप बताएं कि क्या है कि बारबेक्यू सॉस आप लें, उसको कम से कम 1-1.5 घंटा पकाना पड़ता है। बारबेक्यू सॉस? बारबेक्यू सॉस उसमें क्या क्या डलता है, यानी कि अगर घर में हम नॉर्मली एक बारबेक्यू सॉस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? उसमें केचप ले लें आप। अच्छा, केचप लेके उसमें लेमन वगैरह और विनेगर, अदरक लहसुन, अच्छा, और लाल मिर्ची। सही। और ऑयल, पहले ऑयल डालते हैं। सही। ऑयल जैसे गर्म होता है उसके बाद बारबेक्यू सॉस डालते हैं। सही। ये तमाम मसाले आप डाल देंगे? सब मसाले डाल के उसको कम से कम 1-1.5 घंटा हम पकाते हैं। अच्छा, हल्की आंच पे। हल्की आंच पे। सही।
तो उसके बाद वो तैयार होता है। अच्छा जनाब, मैं चाहूंगी कि इसका थोड़ा सा क्लोज शॉट दिखाएं और देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है और साथ साथ जो है चिकन ने पानी भी छोड़ा है और आप ऑयल जो है वो इसके ऊपर डालते चले जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये देखिए मसाला है, ये थोड़ा थोड़ा मसाला भी ऊपर डालते चले जा रहे हैं ताकि इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा। ये सही साथ चिकन भी पकती जाएगी और ये मसाला भी इसके अंदर जज़्ब होगा। अच्छा, और आपने इसको फ्लेम को बिल्कुल लो टू लो रखा हुआ है, बल्कि मैं इसे रखा हुआ है, मैं तेज पे रखूंगा तो चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। सही, ऊपर से पक जाएगी अंदर से कच्ची होगी तो स्लो आंच से रखी के अंदर तक पक जाएगी। अच्छा, और ये इसी आंच पे जो है वो कंटिन्यू पकता रहेगा। इसी आंच पे। अब इस पे आप इसको कवर कब करेंगे, क्योंकि ब्रेक पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था जब मसाला चिकन के ऊपर से थोड़ा सा अब्सॉर्ब होना स्टार्ट हुआ था, तो फिर आपने इसको कवर कर दिया था, राइट? अभी मैं दिखाने की वजह से इसको खोला हुआ है। अच्छा, दोबारा ब्रेक पे जाएंगे उस टाइम इसको फिर कवर करूंगा मैं। अच्छा, और अभी से आपने फ्लिप भी किया था इसको, आप फ्लिप जैसे करके दिखाएं, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स देखें कि आपने फ्लिप किया था इसको ताकि पीछे से भी पता चले किस तरह से इसको यहाँ आराम से ये कलर देखिए आप पीछे से आना शुरू हो गया, लेकिन बराए मेहरबानी रेडी हो जाएगी तो इसका कलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही, लेकिन बराए मेहरबानी आप जो है वो अपने हाथों का इस्तेमाल ना कीजिएगा घर में, आप कोई दो स्पून्स ले लीजिएगा या टोंग्स का यानी कि चिमटे का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना आपके हाथ जल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे जान टीवी पर तो जनाब शेफ ने किया था, उनके हाथ नहीं जलते, हमारे हाथ क्यों जल गए? शेफ्स जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, इनकी आदत होती है, हमारी आदत है आग के साथ खेलना। ये देखें ना, ये शेफ्स की आदत है आग के साथ खेलना, लेकिन ये चीज अच्छी बात नहीं है, घरों में इसको ट्राई ना करें आप। जी आराम से, बिल्कुल इसको आराम से। तो ऐसे इसमें हाथ डाल रहे हैं जैसे पता नहीं, या पानी में हाथ डाल रहे हैं? नहीं, हमारी तो आदत होगी पका के ना, हमारा ये गर्म नहीं लग रही। अच्छा, ये भी बात, वाकई एक्सपर्ट फिर एक्सपर्ट होते हैं। और अच्छा, ये देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया, पीछे से शायद पक गए क्योंकि विंग्स ने जो है वो बोटी छोड़ना स्टार्ट कर दी है, विंग तैयार हो गए, थाई पीस भी आई थिंक ऑलमोस्ट जो है वो हो गया है, राइट? अच्छा, इसमें आप चाहें तो आप इसके चिकन के अंदर स्टफिंग भी कर सकते हैं, राइस वगैरह की, अगर आप चाहें तो, या नहीं? नहीं, इस पे नहीं कर सकते, इसमें नहीं करेंगे। मुगलाई तंदूरी भी नहीं, वैसे चिकन में आप कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते इसको आपने ड्राई। अच्छा, ये सर्व किसके साथ की जाती है, ज्यादा राइस के साथ या फिर सैफरन राइस बनते हैं इसके साथ या फिर रोटी नान रायता? ये रोटी के साथ होगी, रोटी के साथ जी, रोटी होगी उसके साथ रायता वगैरह होगा, तो गार्निश में हम ओनियन देंगे इसकी। अच्छा, और टमाटर वगैरह और चपाती के साथ इसको, चपाती के साथ सर्व करेंगे, गर्मा गर्म सर्व करें। अच्छा, ये रेसिपी इतनी अच्छी है कि आप इसको जो है वो दावतों में भी किसी के सामने रखें तो फुल होल चिकन जब रखते हैं तो उसका एक अपीलिंग, एक बहुत ही फैसिनेट करती है वो गेस्ट्स को ना, कि होल चिकन आपने बनाई हुई है। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो इसको बेक या रोस्ट चिकन नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं अक्सर घर में ओवन अवेलेबल नहीं होता, ओवंस वगैरह, या फिर टाइम टेकन बहुत होता है। अगर इसको हम ओवन में बनाएंगे, बेक करेंगे तो कितना टाइम लेगी ये? ओवन में तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं। अच्छा, 20-25 मिनट लगेंगे, भी लगेंगे। अच्छा, अराउंड 40-45 मिनट, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर। अच्छा, स्लो टेम्परेचर भी स्लो रखेंगे, तेज पे पकाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अच्छा, बेकिंग में भी अंदर से कच्ची रह जाएगी, स्लो आंच पे पकेगी। सही सही, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं पतीली में या फिर पैन के अंदर, जैसे आपको दिल चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, घर में पतीली भी बना सकते हैं आप? हाँ, आराम से बनाएंगे पतीली में। सही, वहाँ बहुत वाकई आराम से बन रही है, बस खड़े होकर इसको जो है वो आपने कंटिन्यू इसके ऊपर इसका ऑयल और इसका मसाला जो है वो डालना है। सही, अब आप इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जी बिल्कुल। सही, हम ब्रेक ले सकते हैं कि हमारे ब्रेक का भी जो है वो टाइम हो गया है। चलिए, अभी आप इसको हम ढक देंगे क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो गया, हमें ब्रेक पे जाना है, तो आप इसको कवर करके पकाइए और जनाब आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और यहाँ पे बन रही है मज़ेदार सी तंदूरी चिकन। अच्छा शेफ, क्या आपको पता है कि तंदूर की इजाद कहाँ से हुई है, यानी तंदूरी खानों की इजाद, या तंदूर का हम कॉन्सेप्ट बेसिकली कह सकते हैं कहाँ से इजाद हुआ है, आप कुछ आइडिया है इस चीज़ का? इस चीज़ के बारे में तो आइडिया नहीं है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि पर्शिया से ये चीज़ निकली थी, इन्वेंट हुई थी, कि पर्शिया में ये इंतज़ाम किया गया था कि बड़े बड़े तंदूर लगाए जाते थे, उसमें आग जलाई जाती थी, भट्टी टाइप की बनाई जाती थी और फिर उसमें खाना पकाया जाता था। वैसे तंदूर में भी बन सकती है? हाँ जी जी, इसको तंदूर में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये लेट फोर्टीज़ में आई थिंक ये ईजाद हुई थी, और तंदूर से ही ईजाद हुई थी, तंदूर में इसको बनाया गया। इसको तंदूर में बना सकते हैं। अच्छा, इसको तैयार करके, तैयार हो गई है तो इसको सीख में लगा के आप तंदूर के अंदर, तंदूर जला के उसके अंदर रख सकते हैं, सीख में लगा के। बिल्कुल, फिर ये बनेगी एक्चुअल तंदूरी चिकन, बेहतरीन टेस्ट आएगा उसका भी। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जी। सही, चिकन कहाँ तक पहुँची है हमारी, मैं चाहूंगी कि थोड़े व्यूअर्स शक्ल दिखाएं इसकी, देखें हमने ढक दिया है। अच्छा, मसाला भी इसके ऊपर लग गया है और इसको मैं पलटूंगा।
अच्छा, फिर हाथ से पलटेंगे। ये देखें, आप मत पलटिएगा हाथ से, मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रही हूँ, आप बिल्कुल हाथ से मत पलटिएगा। आप देखें कलर भी आ गया, कलर भी आ गया और बहुत खूबसूरत सा इसका ऊपर से टेक्सचर भी आया है। ये देखिए, अगर इसको हम जूम कर सकते हैं तो ये देखिए, ये और चिकन भी देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। आ हा, क्या बात है। अच्छा शेफ, आप मुझे बताएं कि आपको शौक था कुकिंग का, आपने शेफ का ही प्रोफेशन क्यों चूज किया? जी बिल्कुल, मेरे को इस चीज़ का शौक था। शौक था, शौक था। अच्छा, तो आप बनाते थे शुरू से? आपने सोचा हुआ था कि मैं शेफ ही बनूंगा? जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम कुछ और बनेंगे, पढ़ाई कुछ और करते हैं, बनते कुछ और हैं, ऐसा कुछ है? जी शुरू से ये सोचा था कि मैं शेफ बनूंगा। तो अच्छा, कि अब तो चले इस चीज़ का बहुत कॉन्सेप्ट है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पहले ज़माने में यानी कि इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता था। अगर कोई लड़का स्पेशली ये ख्वाहिश जाहिर करे कि मुझे जो है वो शेफ़ बनना है, तो बहुत बुरा समझा जाता था इस चीज़ को, घरों घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे बेसिकली। लेकिन अभी तो हर आदमी कोशिश ये करता है कि मैं शेफ़ बनूं। अब एग्जैक्टली, लेकिन उस टाइम पे, आपके टाइम पे यानी कि आपने कुछ प्रॉब्लम फेस करी थी फैमिली की तरफ से, कि फैमिली को मनाना या फिर उनको एग्री करना इस बात पे? कुछ नहीं, वैसे ही मेरे को शौक था तो मैंने बस यही काम किया, आके होटल में काम स्टार्ट किया। तो फैमिली की सपोर्ट थी फुल? आपको फैमिली मेरे को सपोर्ट थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके बच्चे चाहे कुछ भी बनना चाहे, कोशिश करें उनको वो बनाएं, उनको वो चीज़ पढ़ने दें जो उनका पैशन है। जब पैशन होगा और वही प्रोफेशन बनेगा तो सक्सेस लाजमी आप पे कदम चूमेगी। अक्सर हमारे यहाँ होता है कि भाई माँ बाप का बनने का कुछ और शौक होता है कि नहीं जी हमारा बेटा ये बने, हमारी बेटी ये बने, लेकिन बच्चे को देखें कि बच्चे का क्या शौक है, वो किस चीज़ में अपने आप को 100% अप्रूव कर सकता है, राइट? और माँ बाप का सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी। घर का सपोर्ट बहुत जरूरी है उसके लिए। अच्छा, अभी कितना हो गया है इसको हम निकालें? तैयार है, तैयार है। चलें जनाब, इसको हम जब तक थोड़ी सी गार्निशिंग वगैरह की तैयारी करते हैं इसकी, आप जो है रेसिपी कार्ड करिए, आप जाके देखिए। मुगलाई तंदूरी चिकन, अज्जा चिकन 900 ग्राम, खशखाश 50 ग्राम, हरी मिर्च 20 ग्राम, धनिया 15 ग्राम, गरम मसाला 10 ग्राम, दही 40 ग्राम, चाट मसाला 12 ग्राम, येलो फूड कलर 5 ग्राम, तेल 30 मिलीलीटर, नमक 5 ग्राम, कसूरी मेथी 7 ग्राम। तरकीब, सबसे पहले दही के अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और तमाम मसाले डालकर उसको मिक्स कर लें। अब चिकन को कट लगा कर तमाम मसाला चिकन में अच्छी तरह लगा के मैरिनेट कर लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें चिकन डाल दें और हल्की आंच पर पकने दें। जब मसाला थोड़ा खुश्क होना स्टार्ट हो जाए तो उसको ढक कर पकाएं। 20 से 25 मिनट तक चिकन पकाएं, दूसरी साइड से भी पलट के पकाएं जब तक कि मसाला खुश्क ना हो जाए। जब चिकन गल जाए सर्विंग प्लेटर में निकाल कर गार्निश करके सर्व करें। मज़ेदार तंदूरी चिकन तैयार है। चलें जी, कट करें। ये भी इसकी हम गार्निश काटेंगे। अच्छा, जब गार्निशिंग की तैयारी हो रही है ये? जी जी। अच्छा सही, ऑलराइट। चलें, अच्छा टमाटर से और प्याज के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, फ्लेम अभी भी बंद नहीं किया है, बहुत धीमी आंच पे आपने उसको पकने के लिए रखा हुआ है अभी, राइट? अच्छा जी, थोड़ी सी प्याज के साथ लगाएंगे। सही, प्याज के बाद ये टमाटर लगा दिया। सही, रेसिपी कोई भी हो गार्निशिंग उसकी बहुत जरूरी है। अगर गार्निशिंग खूबसूरत नहीं होगी तो रेसिपी कहीं ना कहीं थोड़ी दिखने में जो है मान पड़ जाती है उसकी, एक जो प्रिपरेशन होती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, ये देखें टमाटर भी आप देखें किस तरह से काट रहे हैं ना, ये आप घर में भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए, ये सी गार्निश तैयार है, जबरदस्त। अब आप इसको हम सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। जी जी, ओके। अच्छा, मसाला भी इसके ऊपर से हम साथ में वो कर सकते हैं, मसाला भी डालेंगे इसके ऊपर, मसाला भी डालेंगे। सही, सही, सही। ये हो गई तैयार। आपको मैं दूं कुछ पकड़ने के लिए? टोंग्स आप ले लें, टोंग्स की हेल्प ले लीजिए। मुगलाई चिकन तंदूरी रेडी है। तंदूरी चिकन जो है वो तैयार, इस पे ग्रेवी डालेंगे अभी आप थोड़ी सी। चलें आप। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो लेग्स को थ्रेड से ही बांध सकते हैं ताकि वो एक इसका शेप अच्छा आएगा, या नहीं जरूरी नहीं है, या पकेगा नहीं? इस तरह अच्छा लगता है, पकता इतना अच्छा लगेगा। ओके, या इट्स रियली लुकिंग डिलीशियस एंड टेम्प्टिंग, और ये जबरदस्त। बस अब गरम गरम रोटियों के साथ और थोड़ा सा रायता भी हो इसके साथ और सैलेड,
आप होटल में सर्व करते हैं? रायते के साथ सर्व करते हैं? सर्व करते हैं, चपाती साथ सर्व करते हैं। क्या खुशबू आई है इसकी, वाह वाह वाह। चलें जनाब ये देखिए, मज़ेदार सी तंदूरी चिकन मुगलाई हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, और आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, साथ में रायता सर्व करें, सैलेड रखें, और ये गरम गरम इसको आप अपने किसी मेहमानों के सामने रखें तो ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगी गेस्ट को, क्योंकि एक होल चिकन डाइनिंग टेबल पे जब हो दावत में तो उसकी बात ही अलग होती है, राइट शेफ? जी बिल्कुल राइट। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी रेसिपी की जो सीक्रेट्स थे वो हमारे साथ शेयर करें, और इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारी नॉलेज दी अपने रेस्टोरेंट के हवाले से, सी फूड के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। थैंक यू सो मच हमारे शो में आए टाइम निकाल के। और जनाब आपने क्या करना है, आपने ट्राई करनी है हमारी रेसिपी और अपना फीडबैक देके हमें बताना है कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, या फिर कोई और ऐसी रेसिपी है या कोई डिश है जो आप चाहते हैं हम आपको बनाना सिखाएं या उसका सीक्रेट हम आपके सामने रिवील करें, तो हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा, हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे, आपकी फरमाइश की रेसिपी जो है अपने शो पर हम बनाएंगे। इसी के साथ ही मुझे और शेफ़ को इजाज़त दीजिए, मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।